मैं कॉमरेड विजय कांबळे, ये कॉमरेड आत्माराम विषय और ये इरफान भाई हमारे इरफान शेख। मैं शिक्षा सुधार समिति जो है उसके अध्यक्ष करके काम देख रहा हूँ अभी। ये जो है ये कार्याध्यक्ष करके देख रहे, ये जो हमारे सीनियर लीडर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए हमने खास करके बुलाई है कि दो तीन दिन से हमारा एक आंदोलन शिक्षा सुधार समिति की तरफ से शुरू था। विजडम एकेडमिक स्कूल के यहाँ से एक 6 बच्चे, जिसमें से 3 बच्चे गवर्नमेंट कोटे से और 3 बच्चे जो है जनरल कोटे से एडमिशन ले चुके थे, उनको निकाल दिया था, उनको LC हाथ में दिया था। उसी के खिलाफ में हम कॉरपोरेशन के सामने आज तीसरा दिन था हम आंदोलन कर रहे थे। हालांकि कल पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि भाई इसमें इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और जो संस्था चालक है वो 6 बच्चे को ले ले, उसके लिए पुलिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, कोशिश कर रही थी। लेकिन कॉरपोरेशन ने जो कॉरपोरेशन का काम है, क्योंकि हमने जिनको जिनको लेटर लिखा, जिन जिन ऑफिसर को लेटर लिखा, वो सारे ऑफिसर ने कॉरपोरेशन को ही जवाब देने के लिए बोला कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो और उसका रिपोर्ट दो। आज कुछ लोग, नए लोग हमारे इसमें, नई संगठन, नए संस्था जुड़ने वाली थी, करीब करीब 2 बजे के बाद में हमारा उसका ये चलने वाला था। लेकिन सपोर्ट के लिए कुछ बच्चे आए थे और उसी में से किसी बच्चे ने ताव में आके बोलो, या अभी हम उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि भाई षड्यंत्र है या क्या है, लेकिन उसने गलत नारा वहाँ पे लगाए और उसके वजह से शिक्षा सुधार समिति का जो आंदोलन चल रहा था उसको रोका गया, अरेस्ट हुआ। और हम तो सबसे पहले, वो बच्चा माइनर है, उस घटना का कोई भी समर्थन करने का कोई यही नहीं है, सब सारे लोग खंडन ही करेंगे क्योंकि इस ढंग से हुआ है। उस बच्चे का भी स्टेटमेंट हुआ, पुलिस ने लिया है, उसने बताया कि मेरे से गलती से वो हो गया है, बोलते 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 मैं ताव में आ गया और मैंने बोल दिया। लेकिन इसकी चर्चा जो है ना, बड़े जोर से लोगों के बीच में वायरल होने लगी कि भाई ये लोग जो है, ये सुधार समिति वाले या जो आंदोलन करने वाले है, इन लोग नालायक लोग हैं या इन लोग देशद्रोही है, इस ढंग की भी चर्चा समाज के अंदर चालू कर दी है। और इसी के लिए हम उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि भाई एक 13-14 साल का बच्चा आया, पहली बार ही आया था और उसने बहुत सारा भाषण किया, उसके अंदर उसने बोलते बोलते आखिर में एक नारा दिया। हमारी उसकी पहचान नहीं थी, हमको ही पुलिस ने उसका नाम बताया, बाद में पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लिया। हमारे पूरे आंदोलन से, उस घटना का या उसका, उस लड़के का कोई संबंध नहीं था। वही खुद, ऐसे भी नहीं कि उसको संगठन के लोगों ने उठाया भाषण कर बोले, वो खुद ही उठा और मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा करके बोला। और हमारा वहाँ पे ओपन स्टेज था, जो भी आया उसको हम बोलने दे रहे थे, अपने अपने राय देखने देने दे रहे थे, वही कुछ पॉलिटिकल लोगों ने आके भी भाषण किया है। तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो गलत फहमी फैलाई जा रही है वो नहीं फैलाई जाए, ऐसे हमारी ये है सोच। बिल्कुल, उसमें दोनों भी शंका है, उसकी शान इसे हम आज नहीं कर रहे, क्योंकि हम जब तक उसका पूरा रिपोर्ट नहीं निकालेंगे हमको आपको बताना गलत होगा। लेकिन उसका जो व्यवहार है वो तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि विषय को लगते लगते वो अचानक उसने बोल दिया। दूसरी बात, जो पत्रकार कभी आए नहीं वहाँ पे, उन्होंने वो न्यूज़ चला दी, मतलब इतना फास्ट मोमेंट हुआ, पुलिस उधर फटाक से पहुंची, मतलब वो चर्चा ही हो रही थी, किसी को पता ही नहीं चला तब तक पुलिस वहाँ पहुंची, अरेस्ट हुआ और वो पत्रकार ने न्यूज़ भी चलाई, ये सारा चीज़ हुआ, ये इतना फास्ट हुआ। लेकिन आज हम उस मुद्दे पे नहीं आएंगे ताबड़तोब कि भाई ये षड्यंत्र है, लग तो ला रहा है कुछ उस ढंग का भी है। सर, ये नारेबाजी होने के बाद 19 लोगों को पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसमें किसी पर मामला दर्ज हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें से किसी ने नारा दिया ही नहीं है। दूसरी बात, उसमें से कोई जिम्मेदार नहीं है। वो लड़का जो है वो आज आया था, बहुत सारे लोग नए नए आ रहे, नए नए लोग उधर बैठ रहे, और उसमें से वो एक लड़का था, माइनर था, और पुलिस ने उसका स्टेटमेंट ले लिया। आप लोग ने आईडेंटिफाई किया, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के हाथ में माइक ना दे। जी बिल्कुल, उस ढंग का था, लेकिन वो कविता मैं बोलूंगा, स्कूल की कविता बोलूंगा करके उठा था, और इसलिए उसके हाथ में माइक दिया था। आज,
लास्ट कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहा था कि नगर पालिका ने एजुकेशन के मामले में हाथ उठा लिया जी, तो उसी के सामने धरना देने का क्या मतलब है जब वो लोग हाथ उठा लिया? जी जी, किसी ने भी हाथ उठाया इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी खलास नहीं होती। कलेक्टर के अंडर में शिक्षा नहीं आती, लेकिन कलेक्टर के जिला के अंदर जो भी होता है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीता कलेक्टर जिम्मेदार रहता है। वैसे कारपोरेशन एरिया के अंदर, कारपोरेशन के अंदर एक शिक्षा समिति है, यह शिक्षण समिति है, वो कारपोरेशन हैंडल कर रही है। और जितने लेटर हम ऊपर लिख रहे हैं वो सारे लेटर यहीं पर आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं। उन्होंने अभी कल जूनी तारीख डाल के उन्होंने ऊपर लेटर भेजा है कि हमने इसका जवाब दिया। आज तुम्हारे सारे पत्रकारों को भी उन्होंने भेजा है कि इसको आप प्रसिद्ध करो। वो लेटर जो है जूनी तारीख डाल के अभी आज रिलीज किए, आपने देखा होगा। तो उस पत्र के अंदर एक पैराग्राफ खाली मसला है, तीन पैराग्राफ संगठन के खिलाफ में है जो आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल के अंदर जिसको लेटर लिखा है, स्कूल का लेटर अगर आपने देखा, जो नोटिस उन्होंने स्कूल को लिखा है, उसके अंदर स्कूल के लिए कुछ नहीं लिखा, पालक क्या करेंगे वो लिखा है। आप पढ़ लो उसको, पालक वहाँ जाएंगे, वो समिति के पास जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, वो अकेला ही जाना चाहिए, 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर जाना चाहिए। ये माहिती किसको दे रहे हैं? वो स्कूल को। ऊपर एड्रेस किसको कर रहे हैं? स्कूल को। स्कूल को ये बताने की जरूरत क्या है? स्कूल को ये बताना है कि भाई आपको बच्चे लेने हैं कि लेने हैं, नहीं लेने तो क्या है उसके अंदर, लेना चाहिए। इस टाइम में आपको अधिकार नहीं तो छोटे बच्चे, इसलिए आपने मानवतावादी, जब हैरेसमेंट कर रहे थे तब मानवतावादी शब्द वापरे। आज उन्होंने लिखना चाहिए था कि मानवतावादी दृष्टिकोण से उनको स्कूल ने लेना चाहिए, उसके अंदर ये कलम है, वो कलम है, ये लिखना चाहिए, वो नहीं लिखा। स्कूल को लेटर लिखते उसमें पेरेंट क्या करना चाहिए वो लिखा, और इसलिए इन लोग जिम्मेदार है, ऐसा आज भी हमारा कहीं। तो कॉलेज साहब, अभी ये आपका जो आंदोलन है या जो ठिया पाठशाला, ये जारी रहेगी कि इसको आप लोग समाप्त करेंगे? ये जो आंदोलन है ये हम आज का जो अभी तक का जो आंदोलन है वो समाप्त कर रहे हैं। हम नया आंदोलन नए परमिशन के साथ में हम करने जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से आपका ये आंदोलन चल रहा था, तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? बिल्कुल रिस्पॉन्स था, आज रिजल्ट लगने वाले थे, सारे लोगों सारे ऑफिसर वगैरह हमारे से बात कर रहे थे। हम जो परमिशन, मतलब हम जो आंदोलन मुख्यमंत्री के घर पे कर रहे थे, वहाँ से एक लेटर जो है शांतिनगर पुलिस स्टेशन में आया था। उन लोग बार बार पूछताछ कर रहे थे कि भाई आप उधर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ से भी लेटर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में आया था। गवर्नमेंट पूरा उसमें गंभीर था। शुक्रवार को हम वहाँ जाने वाले थे। आज के दिन में करीब करीब रिजल्ट लगता ऐसा था, क्योंकि कुछ सामाजिक संस्था उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही थी 2 बजे तक, उसके पहले ये हुआ तो ये होगा। लेकिन कल फिर हम कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर साहब के ये करके हम कलेक्टर साहब के बैठेंगे। हम कल मौका मिलेगा हमको डीसीपी साहब के साथ भी हम बैठेंगे, और एसीपी के साथ भी हम बैठेंगे। और हमारी जो भूमिका है बिल्कुल प्रामाणिक भूमिका है बच्चे लोग का। अभी भी हमको लगता है कि ये सारा मसला होने की वजह से भी उसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है, उनका मसला हल होना चाहिए, ऐसा हमको आज भी लगता है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।